पूरे दुनिया में और भारत के संतों से कहेंगे आप लोग अपना सिर ऊंचा कर लीजिए, भारत के संतों की तपस्या की क्या ताकत है, उसका दरबार बागेश्वर बालाजी का दरबार है। एबे सामाजिक गणमाध्यम हेउ किंबा साधारण गणमाध्यम गोटिए ना बेस चर्चा रे बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री भविष्य वक्ता वीरेन्द्र कृष्ण को जानिबा पाई आपण गुगल ने केवल बागेश्वर धाम मारिदेले जथेष्ट हेबो जेउथिरो आपण तांको चर्चार असल कारण जानि परिबे। सनातन धर्म रे विश्वास रखुथिबा लोके तांको पाखकु जानती निज समस्या नै किंतु चकित कला भली से कहिबा पूर्वरु वीरेन्द्र तांको खातारे तांको समस्या लेखि सारिथांती। एपरिकी तांको लोकप्रियता देश ने विदेश को व्यापिलानी रामकथा और हनुमान दिव्यलीला आधार रे तांकर ई चमत्कारिता समस्त को अद्भुत करुछि। हेले समस्त मन रे गोटे प्रश्न किए एही वीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कौन एही बागेश्वर धाम रो महिमा पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी 4 जुलाई 1996 छत्रपुर जिलार एक छोट गाँ गाडेरे जन्मग्रहण करते से बहुत गरीब परिवार रो आसी। धीरेन्द्र शास्त्री निजे कहते पिलादिनरे से सेतेबेले ओलिए भोजन पाउन बापा दान दक्षिणारे जहाँ आणुले से परिवार चलुला। दिने पाठ पढ़ा आग्रह बखाणती धीरेन्द्र कर्मकांड शिखा वृंदावन जावाक बापा रामकृपाल गर्ग को कहते किंतु मात्र 1000 टंका जोगाड़ न करि परिबारु वृंदावन जाई कर्मकांड पढ़िबार आशा अधूरा रहे। गाँ स्कूल रे अष्टम पर्यंत आउ तापरे गाँ बाहर कॉलेज रे बीए पास करिछन्ते धीरेन्द्र। एपटे जेजेबापा भगवान दास गर्गंकु निजर गुरु मानि नियन्ति। सनातन धर्मर आधार एवं आध्यात्म शास्त्र पढ़िबारे तांकर दिन कटे। रामायण महाभारत प्रांजल अध्ययन परे हनुमान साधना आरंभ हुए। बालाजी हनुमान का कृपा प्राप्त होगा परे आगत भविष्य बखाणवार सिद्धि प्राप्त करती धीरेन्द्र जो आज सारा देश में चर्चा। ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।